बच्चों आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। इसके पहले भी हमने इसका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखा था, अब इसका हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में लिखा है 15% ऑफ 250। मैंने परसेंट के बारे में आपको बताई थी, जहां भी परसेंट लिखे उसके अकाउंट में क्या लगा दो, 100 × 250। ऐसे करके हमको इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 50, ठीक है। ऊपर बचा 15 × 5 / 2। अब इस ये अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसे 2 × 3 = 6 / 2 × 7 = 14 / 2 × 5 = 10 आया 37.5। इतना करके हमको इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको फोर्थ का एक क्वेश्चन कराई हूँ, इसका बी सी और डी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। जैसे ए हुआ है वैसे बी सी डी भी होंगे। जैसे कि 1 के अकाउंट में 100 आएगा, 20 के अकाउंट में 100 आएगा और 75 के अकाउंट में 100 आएगा। बाकी हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, बाकी जैसे का तैसा, जैसे ये हुआ वैसे ही करना है। इसके बाद हम फिफ्थ के ए में आते हैं। लिखा है 5% ऑफ इट इज 600। ये दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ ऑफर लिखा था, यहाँ पे लिखा है इट इज। जहाँ इट इज लिखा रहेगा हम लिखेंगे 5% ऑफ इट इज की जगह ए इक्वल 600, ठीक है। फिर 5% है तो अपॉन में 100 आया इंटू ए इक्वल 600, ठीक है। इसको हम उधर लेके जाते हैं, ए को यहीं छोड़ देते हैं। 600 upon 5, 5 × 5, 5 × 10, ठीक है। ए बराबर 6 × 12 = 1, 2 और 3, इसमें क्या लग गए, 0 लग गए, ठीक है। इसमें रुपीस करके हम मिल देंगे। ये हुआ फिफ्थ का ए सवाल। ऐसे ही इसका बी सी डी और ई करेंगे। इसके बी वाले में होगा 12% ऑफ ए। इसका एक सवाल मैं आपको और करा दे रही हूँ क्योंकि आपको डिफिकल्टी ना जाए करके। फोर्थ के तीनों आपको करना है, फिफ्थ का ए में करा चुकी हूँ और मैं कौन सा करा दूँ आपको इसका, सी करा दूँ कि ई करा दूँ, ई करा देती हूँ है ना, ई वाला करा देती हूँ। लिखा है 8% और इट इज 40 liters, ठीक है। सॉल्व इट इज की जगह मैंने आपको बताया क्या लिखना है, 8% ऑफ ए इक्वल 40, ठीक है। फिर 8 × 100 × ए इक्वल 40। एक हमने यही छोड़ दिए, इसको यहाँ लेके आइए, नीचे था तो जब जाके ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, ऐसे ऐसे। अब हम इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 × 4 = 8 / 2 × 4 = 4 × 10 = 20 × 1 = 2 × 5 = 10। ऊपर बचा 5 × 100 आया 5000 liter। लीटर है तो लीटर लिखेंगे, नहीं है तो नहीं, ए बराबर ए, ठीक है। फिफ्थ का ए और ई मैंने आपको करा दिया है, इसका बी सी डी आप खुद करेंगे। फोर्थ के 3 क्वेश्चन करना है आपको और फिफ्थ के भी 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही सरल है, फोर्थ में कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने उसमें 15 के अकाउंट में 100 लगाए थे, 15 upon 100 = 250 करके कर देना है। जैसा वो हुआ है वैसे सेम वो होगा। फिफ्थ का मैंने आपको ही समझा ही दी हूँ। पहली स्टेप में 5% ऑफ इट इज़ की जगह ए इक्वल 600, 5% लिखा है तो 5 upon 100 × ए = 600। अब ए को यहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो जो ऊपर था वो नीचे जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, होता ना उल्टा हो जाता है, इक्वल टूजा लेके जाते हैं। तो हमने इसको 5 से काटे तो 20 बाद में कटा 600 और 20
20 का मल्टीप्लाई करें तो 12,000 आ गया। ऐसे ही पूरे सवाल होंगे इसके, आपको खुद को कंप्लीट करना है, आपको टोटल 6 सवाल करना है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको इसी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 के साथ। थैंक यू।